हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनल फ्रॉम मुस्कान हैप्पीनेस। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप फेशियल एट होम। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो है क्लिंजिंग का। तो क्लिंजिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। रॉ मिल्क जो होता है नेचुरल फेशियल क्लिंजर है, जो हमारे फेस से डर्ट को रिमूव करता है और हमारे स्किन टोन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कॉटन बॉल, इसे हम डिप करेंगे अच्छे से, फिर स्क्वीज कर लेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे। फिर नेक एरिया पर भी लगाएंगे। इससे जो है हमारा एक्सेस डर्ट जो होगा हमारे फेस का वो निकल जाएगा, हमारी फेस जो है क्लीन हो जाएगी। डर्ट रहती है हमारे फेस पे फेस वॉश करने के बाद भी। तो आप चाहें तो ठंडे पानी से धो लें अपने फेस को। मैंने यहाँ पे यूज किया है वेट वाइप्स। इस वेट वाइप से मैं अपने फेस को क्लीन कर लूंगी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो है एक्सफोलिएशन का। इसके लिए हमें चाहिए राइस फ्लोर, जो कि मैंने लिया है 2 चम्मच, और दूसरा जो हमें चाहिए वो है टोमेटो जूस। राइस फ्लोर जो है बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। ये स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग में बहुत ही हेल्पफुल है। ये रिंकल पिंपल्स में भी बेनिफिशियल है और ये हमारे स्किन को फ्लॉलेस बनाती है, स्किन में ग्लो लाती है। दूसरा जो है हमारा टोमेटो जूस है, ये नेचुरल एस्ट्रिजेंट है जो हेल्प करती है हमारे स्किन को क्लीन करने में, फेस से एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करती है। तो इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक बोल, इसमें हम डालेंगे राइस फ्लोर और ये मैंने लिया है 1 स्पून टोमेटो जूस। सीड एक्सट्रैक्ट नहीं किए हैं, आप चाहे तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। इसे हम अपने फेस पर लगाएंगे। इसे नेक एरिया में भी लगा लेंगे। और लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसे हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग प्रोसेस को हमें वीक में 2 से 3 बार करनी चाहिए, इसे हमें डेली नहीं करनी चाहिए। हमें यहाँ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, तो हमें इस एरिया को अच्छे से स्क्रबिंग करनी चाहिए। स्क्रबिंग काफी देर तक भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा स्क्रबिंग हो गया, अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो हमारा तीसरा स्टेप होगा स्टीमिंग का। स्टीम करने से हमारे फेस के पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं और हमारे फेस की डीप क्लीनिंग हो जाती है, और ये एक्ने के प्रॉब्लम में भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो हमें स्टीम लेनी है 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो ये मेरा स्टीमिंग हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फेस मसाज। तो इसके लिए चाहिए हमें मलाई, जो कि है मिल्क क्रीम। मिल्क क्रीम जो है हमारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट और हाइड्रेट करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो होगा हमारा हल्दी। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और ये हमारे डार्क सर्कल्स को भी कम करती है। तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट होगा जिसे हम मिक्स करने वाले हैं वो है हनी। हनी हमारे फेस पर नेचुरल ग्लो लाती है, ये रिंकल्स को भी कम करती है। तो चलिए इन सब को हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए हमें चाहिए एक बोल। उस बोल में हम इस मलाई को डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी हनी। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हो गया मिक्स और इसे मिक्स करके अब हम इसे अपने फेस पर लगा लें। इसे हम पूरे अच्छे से अपने फेस पर लगाकर मसाज करेंगे। नेक एरिया को कभी ना भूलें। इसे सर्कुलर मोशन में मसाज कर लें। मैं जो भी स्टेप दिखा रही हूँ आप उसे फॉलो करिएगा। नेक एरिया को भी अच्छे से मसाज कर लें। ये हो गया हमारा मसाज। इसे फिर आप अपने ठंडे पानी से क्लीन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने हनी यूज़ किया था, तो मैंने क्लीन किया है वेट वाइप से। आप भी चाहें तो वेट वाइप से क्लीन कर लें या फिर कॉटन के हेल्प से भी क्लीन कर सकते। तो चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है फेस। तो इसके लिए चाहिए हमें बेसन। बेसन हमारे स्किन टोन को इवन और फेस में रेडिएंट ग्लो लाता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी फाइट करता है हमारे एक्ने और पिंपल से। ये डीप क्लीन करता है हमारे फेस को और डर्ट को भी रिमूव करता है। और तीसरा जो हम इसे मिक्स करने वाले हैं वो है डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर। ये सारे स्किन टाइप के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए हमें चाहिए एक बोल। तो हमें लेनी है एक बड़ी चम्मच बेसन, दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा रोज़ वाटर। इन सबको हम मिक्स करेंगे अच्छे से।
ये हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। इसे हम अपने फेस पर लगाएंगे। इस पैक को हमें रखनी है 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। नेक एरिया पर भी लगा लें। और सूखने के बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। तो मैंने इसे ठंडे पानी से वॉश कर लिया। डिफरेंस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही इजीली आप इसे घर पर कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें बस थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, और अब समर आ गया है तो हमें अपने फेस का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। इससे बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है देखने को। अगर आप इससे बेटर रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसे 15 दिन में एक बार करें, और अगर 15 दिन में पॉसिबल ना हो पाए तो मंथ में इसे एक बार तो करना ही करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। तो होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल मुस्कान हैप्पीनेस। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।